जब भी हमारी दुनिया में खतरनाक जानवरों का नाम आता है तो हमारे दिमाग में शेर, तेंदुआ और मगरमच्छ जैसे जानवरों का नाम हीट करने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके अलावा भी दुनिया में कई ऐसे जीव जंतु मौजूद हैं जो काफी घातक होते हैं। कुछ तो इतने शातिर तरीके से शिकार करते हैं कि उन्हें प्रोफेशनल किलर कहने में कोई बुराई नहीं होगी। वही कुछ जीव देखने में बेहद छोटे लेकिन उनके कारनामे काफी बड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्य एंड नेचर के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। आइए जानते हैं दुनिया के सबसे घातक जीवों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जॉइंट ट्रेवली की। आपने देखा होगा कि समुद्र के ऊपर काफी पक्षी इस फिराक में उड़ते रहते हैं कि जैसे ही कोई छोटी मछली ऊपर आए तो यह उस पर झपट्टा मारकर शिकार बना ले। लेकिन शायद वो यह नहीं जानते कि समुद्र के नीचे उनकी मौत छुपी बैठी है। जॉइंट ट्रेवली एक ऐसी घातक मछली है जो शिकार के मामले में काफी तेज तर्रार होती है। यह पानी के भीतर रहकर ही समुद्र के ऊपर मंडरा रहे पक्षियों पर बराबर नजर रखती है। यह मछली इतनी चालाक और बुद्धिमान होती है कि उसे यह पता लगाने में जरा भी वक्त नहीं लगता कि उसका शिकार समुद्र से ऊपर कितनी स्पीड से उड़ रहा है। इसे यह बखूबी मालूम होता है कि शिकार की एक्चुअल पोजीशन क्या है। बस फिर मौका मिलते ही यह उस पर हमला कर देती है। यह मछली इतनी स्पीड से आती है कि शिकार को भनक तक नहीं लगती। आपको बता दें कि यह मछली एक विशालकाय मछली है जो स्थलीय जीवों को अपना शिकार बनाती है। मछली की यह खतरनाक प्रजाति इंडो पैसिफिक रीजन में पाई जाती है। कार्निवोरस कैटरपिलर। आमतौर पर कैटरपिलर्स शाकाहारी होते हैं लेकिन दुनिया में कैटरपिलर्स की कुछ ऐसी प्रजातियां भी मौजूद है जो काफी शातिर और मांसाहारी होती है। इनमें से एक है कार्निवोरस कैटरपिलर। यह खतरनाक प्रजाति शिकार को पकड़ने के लिए अपने नुकीले छह पैरों का सहारा लेता है। यह कैटरपिलर अपने शिकार को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि वह लाख कोशिश के बावजूद भी नहीं बच पाता। दरअसल इसके पैरों में सुईनुमा कांटे निकले होते हैं जिसकी मदद से यह कैटरपिलर शिकार को पकड़ने में कामयाब होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह छोटा सा जीव इतना घातक हो सकता है। यह शिकार का मरने का भी इंतजार नहीं करता बल्कि उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। इसके शिकार करने का तरीका भी कमाल का है। सबसे पहले यह पौधे की पत्ती के नीचे छिप जाता है और फिर शिकार पर बराबर अपनी नजर बनाए रखता है। जैसे शिकार इसके करीब आता है यह फौरन अपने नुकीले पंजों की मदद से उसे दबोच लेता है। आपको बता दें कि यह इतनी तेजी से हमला करता है कि शिकार को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। यह कैटरपिलर शिकार को जिंदा ही खाने लगता है। मेंटिस कहने को एक कीड़ा मात्र है लेकिन इसके कारनामे इतने बड़े हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। इसे प्राइंग मेंटिस भी कहा जाता है क्योंकि यह अक्सर एक पोजीशन में नजर आता है और ऐसा लगता है जैसे मानो यह एक जगह बैठकर प्रार्थना कर रहा है। इसके सर के दोनों साइड बड़ी बड़ी आंखें होती है और यह अपने सिर को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। मेंटिस के सिर पर दो एंटीना भी होते हैं जिसका इस्तेमाल यह नेविगेशन के लिए करता है। इसके छह पैर होते हैं। पीछे के चार पैर मुख्य रूप से चलने का काम करते हैं जबकि सामने के पैर में धारदार नुकीले कांटे होते हैं। यह तेज धारदार नुकीले कांटे मेंटिस को शिकार पकड़ने में बहुत मदद करते हैं। अगर कोई शिकार इसके चंगुल में एक बार फंस जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। मेंटिस को अक्सर पेड़ पौधे और झाड़ियों पर देखा जाता है। वैसे तो इसे प्रेइंग मेंटिस कहा जाता है लेकिन यह किसी के आगे नहीं झुकता। मेंटिस काफी खतरनाक जीव माना जाता है। आमतौर पर यह घास, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करता है लेकिन कई बार यह सांप को भी अपना शिकार बना लेते हैं। मेंटिस छोटे सांपों को देखते ही उसे तेजी से पकड़ लेता है और सांप के रिएक्ट करने से पहले ही उसे खाना शुरू कर देता है।
सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि मादा मेंटिस दूसरे नर मेंटिस को अपना भोजन बनाने में जरा भी वक्त नहीं लगाती। आपको बता दें कि मेंटिस की 2400 से अधिक प्रजातियों में और 15 डिफरेंट फैमिलियों में वर्गीकृत किया गया है। किसिंग बग्स। इस कीड़े का नाम सुनकर इस पर जरा भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि भले ही इसका नाम किसिंग बग्स है, लेकिन यह एक खतरनाक इंसेक्ट है। आपको बता दें कि इस कीड़े का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में शामिल है। इसके काटने से चागस नाम की बीमारी फैलती है और लोग गंभीर एलर्जी का शिकार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इस इंसेक्ट के काटने से हर साल औसतन 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि यह जीव एक ब्लड फीडिंग इंसेक्ट है, बिल्कुल मच्छरों की तरह ही इंसानों और जानवरों का खून पीकर अपना पेट भरता है। यह खतरनाक कीड़ा दिन के समय छिपा रहता है और रात के समय एक्टिव हो जाता है। एमेजोनियन जॉइंट सेंटिपेड। कान खजूरे की यह प्रजाति एमेजोन के जंगलों में खास तौर से पाई जाती है। इसे पेरुवियन जॉइंट येलो लेग सेंटिपीड के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े सेंटिपीड प्रजाति है। इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सेंटिपीड काफी आक्रामक स्वभाव का माना जाता है, जो मकड़ी, चूहे, छोटे पक्षी, चमगादड़ और छिपकली जैसे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाता है। वैसे तो यह जहरीला नहीं होता, लेकिन शिकार को पकड़ने की कला में कुशल होता है। यह अपने शिकार को दम घोटकर मार देता है और यह अपने छोटे छोटे पैरों की मदद से शिकार को कुंडली मारकर बुरी तरह जकड़ लेता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह मर नहीं जाता। हालांकि इस जीव में इतनी ताकत नहीं होती कि वह किसी इंसान की जान ले सके, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसकी पकड़ में आ जाए तो यह बुरी तरह उसे काट लेता है। इसके काटने पर तेज दर्द और कमजोरी महसूस होने लगती है। आपको बता दें कि इस जीव की गिनती अमेज़न के सबसे खतरनाक जीवों में होती है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने सीखने को मिला या इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।